नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे कि डेरा का रियल फैक्ट क्या है। कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स, और जो फॉलोवर्स नहीं हैं वो भी यहाँ पर एनवायरनमेंट किस तरीके का है आके बताते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं व्यक्तिगत रूप से। जो कोई भी खबर है हमारी सूत्रों के हवाले से नहीं है, व्यक्तिगत रूप से लोग सामने आते हैं, आप देख सकते हैं। आज ऐसी महिला हमारे साथ जुड़ी हैं जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? शिमा देवी, शिमा इंशा। कितने वर्षों से जुड़े हो आप? हम तो जब परमपिता जी ने चोला छोड़ा था, ये संत पिता जी से अपना नाम लिया था उसी साल जून जुलाई में, इतने साल हो गए। काफ़ी लंबा समय आपको हो गया है जो आपने दूसरे गुरु जी से नाम लिया था, तो मैं जनता जानना चाहती है जो आपका विश्वास है इस समय कितना है? बहुत है गुरु जी पे, बहुत है। जब गुरु जी पंचकूला से गए तो हम आए थे, पिताजी पे बहुत विश्वास है। पिताजी ने जब से नाम लिया हमने ठीक करका, बहुत बढ़िया करका हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। पिताजी से हमारा विश्वास है, ये चाहते हैं कि पिताजी दर्शन दियो हमको, जल्दी आ जाओ। क्या कारण है इस विश्वास का? विश्वास जो चीज़ है हमारे, सब कुछ हमारे पिताजी का नाम लेते हैं तो पिताजी फट वो काम करा देते हैं। महिलाएँ डेरा के अंदर कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं जो डेरा में आती हैं कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित है, सुरक्षित है, कितनी सेफ महसूस करती हैं अपने आप को? हम तो ठीक ही करते हैं, पर हमको तो है, आप बच्चे कह रहे हैं तुम पिताजी तो है नहीं, मैं हम तो डेरे का दर्शन करने डर, पिताजी आ ही जाएंगे, पिताजी डेरे में बैठे हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से ये दर्शन हमारे भाई, पिताजी को हमारे जल्दी छोड़ दें, जल्दी आ जाए। लोग अंधभक्त कहते हैं डेरा प्रेमियों को, करते होंगे। हम तो बिल्कुल, जब से हमको नाम दान दिया पिताजी ने हमारे, तो भले करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, इनकी यही अपील है कि गुरुजी को जल्द से जल्द भेज दिया जाए। गुरुजी की जो याद है वो उनकी फॉलोवर्स है काफ़ी याद करते हैं, काफ़ी तड़पते हैं उनकी याद में।